हेलो गाइस, आज पता है मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मेरे भाई और खुद की कहानी है। एक बार क्या होता है, मेरा भाई और मैं ना एक किसी खेत पे चले जाते हैं। पहले गन्ने होते थे गांवों में, तो बुग्गी जाती थी, गन्ने की बुग्गी जाती थी, पहले खला जाती थी फिर लेने के लिए जाती थी। हम उसमें ना 2 बजे चले गए, शाम का टाइम था। और भाई क्या होता है, हम दोनों भाई और बहन है ना, वहाँ तो मज़े लेते हैं आराम से, इस वाली मुग्गी में चढ़ उस वाली मुग्गी में चढ़। फिर क्या होता है, वहाँ से शाम को आते हैं, यहाँ मम्मी पापा हैं, सारे गांव में देखते हैं कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। और जैसे ही हम घर पे आते हैं ना, तो हमारी मम्मी एक डंडा ले लेती हैं, अब बोलती हैं, और वहाँ सारे लोग सो रहे थे और हमारे रात में कम से कम 10 बज रहे होंगे, तो बोलती हैं कि कहाँ गए थे। हमने बोला कि कहीं नहीं। अरे जल्दी बताओ कहाँ गए थे। मैंने कि ऐसे वहाँ पे गन्ने की बुग्गी थी ना, उस पर गए थे। और उन्होंने एक डंडा ले लिया और खाट, तो सभी लोग सोई रहे थे तो हमारे पीछे भागे, कभी हम इधर को भागे कभी इधर को भागे, लेकिन उन पर हम पकड़े नहीं गए दोनों को। और इतना अच्छा, मतलब उस समय की कॉमेडी थी, कॉमेडी मानो कुछ भी मानो, लेकिन मज़ा बहुत आया था। बचपन की बातें हैं, दोनों बहन भाई थे हम, तो कहते हैं ना बच्चे बड़े लोगों पर पकड़े नहीं जाते, तो हम खाट का चक्कर लगाते, लेकिन हम पकड़े नहीं गए थे। और फिर आखिरकार हमने सॉरी मांगा मम्मी से कि अब नहीं जाएंगे हम। रात का टाइम था, अब बच्चे होते हैं तो माँ बाप को तो दुख होता ही है कि बच्चा कहाँ गए, परेशान होते हैं, पूरे गाँव में देखते रहे बच्चे कहाँ गए बच्चे गए। और जब शाम को बुग्गी आई भर के, जब हम आए थे वहाँ से, तो यही था, ये स्टोरी थी हमारी लाइफ की। दोनों बहन भाई थे, छोटा भाई और मैं, और गन्ने खाते थे। गन्ने खाने का तो बहुत शौक था, और फिर घर पर लौटे तो ऐसे गन्ने खाए कि दंदूड़ा पड़ा, तो बच के दंदूड़ा नहीं पड़ा था, लेकिन डांट बहुत पड़ी थी। फिर उसके बाद में हमने सॉरी मांगी, बोले कि अब आज के बाद में हम नहीं जाएंगे। तो ये काम थे हमारे कारनामे बचपन के, आप लोगों ने भी किए हम तो शेयर करना ज़रा। थैंक यू।